नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे हम बात करने वाले उनको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि उनके जो नए रिप्लेसमेंट होने वाले खिलाड़ी, वो खिलाड़ी कौन से टीम से रहेंगे, इसकी जो है पूरी खबर निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों कौन सा वो खिलाड़ी है, कौन से टीम से ज्वाइन करने वाला है, हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे बड़े फैन हैं आप पंजाब किंग्स के, केएल राहुल के सपोर्ट करते हैं इस टीम को, जितना चाहते हैं आईपीएल और की खिताब। दोस्तों एक जगह सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आपके सबसे फेवरेट टीम पंजाब किंग्स से जुड़ी हुई और आईपीएल किसकी सारी खबरों से जुड़ी हुई। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में कि क्या है पूरी रिपोर्ट और क्या है ये खबर। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि आईपीएल 21 का जो फेज टू है उसकी शुरुआत होने वाली है 19 सितंबर से, और ऐसे में एक महीने से भी कम का वक्त अभी तक बचा हुआ है और पंजाब किंग्स को रवाना होना है 29 अगस्त को यूएई के लिए, जैसा उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर बात करते हुए फिलहाल जो है 5 दिन का समय बचा हुआ है, और ऐसे में उसके पहले पहले किसी भी तरीके से उनको अपने स्क्वाड जो है फाइनलाइज करने हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर बात करें तो 4 और ऐसी फ्रेंचाइजी रहेंगी पंजाब किंग्स को लेते हुए, जिनकी जो स्क्वाड अभी तक फिलहाल पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हुई है। अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और खुद पंजाब किंग्स। तो अब दोस्तों ऐसे में उनके सामने बहुत ही बड़ा टास्क है कि किसी भी तरीके से अपने नए रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को पूरी तरीके से अनाउंस किया जाए, अपने स्क्वाड में शामिल किया जाए और उनको भी साथ साथ लेकर के यूएई जाया जाए। तो अब दोस्तों अगर बात करें तो इनसाइड स्पोर्ट्स के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि उनके जो नए रिप्लेसमेंट खिलाड़ी रहेंगे, अगर बात करें प्लेयर नंबर 2, वो हमें दिखाई दे सकते हैं कुछ इस प्रकार और इस टीम से। तो अब दोस्तों अगर बात करें रिपोर्ट्स में, तो निकल के सामने आया है कि जो नए खिलाड़ी रहेंगे पंजाब टीम में रिप्लेसमेंट के लिए, वो रहेंगे इंग्लैंड की टीम से। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट जो है निकल के सामने आ रही है इनसाइड स्पोर्ट्स के द्वारा। अगर दोस्तों बात करें इसमें, तो इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने जो है बात किया था पंजाब किंग्स के सीईओ से, और जहाँ पर ये बात पता चली कि अनिल कुंबले फिलहाल जो है अभी वॉच कर रहे हैं, अगर हम देखें तो वाइटलिटी ब्लास्ट T20 मैच को। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे अगर हम देखें जिसका जो क्वार्टर फाइनल मैच है वो होने वाला है 24 अगस्त से लेकर के 27 के बीच में, और जहाँ पे काफ़ी सारे जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर खेलने वाले हैं और उनका जो प्रदर्शन है अनिल कुंबले बहुत ही क्लोजली उसको देख रहे हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको पूरी तरीके से जो है एनालाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इनमें जो काफ़ी खिलाड़ी हैं वो काफ़ी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो इंग्लैंड मूल के काफ़ी अच्छे अनकैप्ड प्लेयर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस वर्टिलिटी ब्लास्ट T20 मैच में, और अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम बात करें तो स्टार ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम काफ़ी अच्छे प्लेयर निकल के सामने आए हैं इस T20 वर्टिलिटी ब्लास्ट में, और अगर हम देखें तो इंग्लैंड के टाइमन मिल्स जो है काफ़ी अच्छी गेंदबाजी किए हुए हैं इस वर्टिलिटी ब्लास्ट T20 में। तब दोस्तों अगर बात करें तो इन दोनों पे पंजाब की जो किसी भी तरीके से नज़र लगा सकती है, और अगर देखें तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम के ऊपर पंजाब की जो ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आईपीएल का अच्छा खासा तजुर्बा है और इन्हें अगर पंजाब की अपने टीम में ले लेती है तो इनके एक ऑलराउंडर के साथ साथ काफ़ी अच्छा विकल्प मिल जाएगा गेंदबाजी और बल्लेबाजी में। वहीं दोस्तों अगर बात करें टाइमन मिल्स की, तो टाइमन मिल्स काफ़ी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, इनके पास अच्छी खासी वेरिएशन है और हमने देखा कि इस तरीके से जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ पूरा दबदबा बना के रखा हुआ था। लेकिन दोस्तों बात करें आईपीएल में, तो पूरी तरीके से फ्लॉप हुए थे टाइमल मिल्स, जो कि आरसीबी की टीम से खेल चुके थे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब किंग्स की टीम उनके इस प्रेजेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए अपने टीम में लेकर आती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक क्या कहना है इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में, पंजाब किंग्स जो किसे टारगेट करें अपने स्क्वाड में ज्वाइन कराने के लिए, या आप में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये भी आप में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर ये दोनों खिलाड़ी में से कोई खिलाड़ी टीम में आता तो कितना बड़ा इंपैक्ट जो है पंजाब किंग्स में डाल सकता है, और उन खिलाड़ी में से क्या कुछ होता है प्लेइंग 11, ये भी आप में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो लेकर आए उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।